खबर बीकानेर से। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांव 7 AM आबादी में सीमा सुरक्षा बल द्वारा सिविल एक्शन प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल बीकानेर उपस्थित थे। बालिकाओं ने गुलदस्ते देकर राठौड़ जी का स्वागत किया। राठौड़ ने सबसे पहले सरस्वती माँ के आगे दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वही कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें ग्रामीणों को कोरोना से जागरूक होकर मास्क अनिवार्य रूप से पहनना एवं अन्य जानकारी दी। BSF बटालियन बीकानेर जिले की 55.9 किलोमीटर भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रही है। इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल एवं गांव जो कि सीमा के नजदीक है, उनमें आपसी तालमेल बहुत ही अच्छे हैं। सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले कार्यक्रम से सिविक एक्शन कार्यक्रम एक मुख्य कार्यक्रम है। देश की सरहद पर BSF जवान सदैव सतर्क रहकर सुरक्षा करने में समक्ष है, लेकिन सुरक्षा में बॉर्डर क्षेत्र ग्रामीण का सहयोग भी अतुलनीय है। BSF भारत पाक सीमा पर बसे ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान एवं ग्रामीण दरियों एरियों में सामुचिक विकास के लिए सहयोग करेगा। यह बात भारत पाक सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांव 7 की आबादी में मंगलवार के सिविक एक्शन कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित में बीकानेर सेक्टर के उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र राठौड़ ने की है। DISG ने ग्राम रक्षक बने ग्रामीणों से सीधे संघ उप महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने ताली बजाकर छात्राओं की हौसला अफजाई दिया और छात्राओं को सम्मानित किया। शिविर में शिक्षा एवं खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री खेलदू सामान दिया गया। साथ ही इसके अंदर स्कूल में वाटर बॉटल, नोटबुक हिंदी और नोटबुक अंग्रेजी, नोटबुक गणित, ड्राइंग नोटबुक, कलर पेंसिल दी गई। वह साथ में ही वाहिन सीमा सुरक्षा बल श्री तिलक कुंवर क्षेत्रीय दिवसीय कमान अधिकारी श्री पवन कुमार डिप्टी कमांडेंट रसद अधिकारी श्री मंजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट दंडपाल एवं इंस्पेक्टर सामान्य राकेश कुमार एवं 5 ग्राम पंचायत के सरपंच व करीब 10 विद्यालयों प्रधानाध्यापक स्टाफ व विद्यार्थी शामिल हुए।